Hello everyone, this is

Sure कि आप लोग इस सेशन के तक रहो, बहुत है आपको बहुत अबाउट तो आप you know, है? तो करते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है किस बात का इंतजार है फ्री में आप इसे कर सकते हो, और उससे भी ज्यादा मुफ्त में फ्री से भी बड़ा मुफ्त में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहे हमारे न्यू सेशन के

द सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम्स आर टफर डेंड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स ये एक बहुत अजीब सा मिथ है कि मैम सी बी एस ई बेटर है आई सी एस ई बेटर है या स्टेट बोर्ड बेटर है कौन सा एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट है कुछ लोग कहते हैं कि आई सी एस सी आई सी एस ई एग्जाम डिफिकल्ट ज़्यादा है और स्टेट बोर्ड डिफिकल्ट ज़्यादा है पर उनकी मार्किंग बहुत लीनियंट है सी बी एस ई में मार्किंग स्ट्रिक्ट है या सी बी एस ई का सिलेबस ज़्यादा है।, है ना तो इस टाइप पे कुछ मिथ्स हैं बट आई वॉन्ट टू ब्रेक ऑल द मिथ्स देखो आप किसी भी बोर्ड में हो आपको उस बोर्ड के असेसमेंट की आदत है है ना अलग से आप बचपन से सीबीएसई में हो तो आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में आप उस हिसाब से ट्रेंड हो आप जो बच्चे सीबीएसई सी में उनके ऊपर उनके पास ये एडवांटेज होता है कि बाद में जब आप कंपेटिटिव एग्जाम्स देते हो वो भी सीबीएसई का ही पैटर्न और असेसमेंट फॉलो करते हैं ठीक है सो दैट इज अ वन गुड थिंग अबाउट बींग इन सी बट रिगार्डलेस आप किसी और बोर्ड में भी हो पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी और उनके असेसमेंट के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी दूसरा मिथ यू हैव टू टू रीड प्लस सोर्सेज गेट फुल मार्क्स है ये भी बुक पढ़ ले वो भी बुक पढ़ ले सारी बुक्स पढ़ ले तभी हमें फुल मार्क्स आएंगे सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम में ये एक सबसे बड़ा मिथ मिथ मतलब गलत एक सोच है जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आ सकती है मोस्टली क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स साल के शुरू में ही वो दस किताबें खरीद लेंगे कि भाई ये वाली रेफरेंस वो कुछ बताई थी ये वाली रेफरेंस फलाने ठिकाने ने बताई थी वगैरह वगैरह एंड आप उसको कलेक्ट करके रख लेते हो बट आप उसके ऊपर एक होता है ना यू आर नॉट एबल टू डू दो बुक्स क्योंकि बेटा एन कर लो ना यही बहुत है है ना एन कर लो क्वेश्चन बैंक की कोई किताब ले लो चाहे रेफरेंस बुक्स कर लो आपके लिए यही बहुत है तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि आपको ज़्यादा किताबें पढ़नी होंगी बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादा किताबों किताबें पढ़ने से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो तो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू योर बेसिक्स तीसरा मिथ मार्क बेस्ड ऑन करेक्शन एग्जामिनर माइंडसेट कभी कभी आप ऐसे सीनियर से मिलोगे जो बोलोगे यार हमारे तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन वो गधा एग्जामिनर वहां बैठा हुआ था ऐसी भाषा बोलते हैं ना ओ वो जो बंदा था ना जरूर उसका कुछ बीवी वीवी से लड़ाई हो गई होगी इसने मुझे बुरे मार्क्स दे दिए वर्स्ट थिंग्स यू कैन हियर एंड सेल्सो है ना पहली बात तो देखो यार ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपसे दुश्मनी लेके बैठा है कि आज तो मैं बच्चे को ना गंदे मार्क्स दूंगा नहीं है. में एक तरीके से होती है अगर आप सीबीएसई का आंसरिस uh, वाला पेपर देखते हो आंसर शीट देखते हो जो आंसर का कोड देता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बच्चे को मार्क्स मिलेंगे अगर उसने ये ये पॉइंट लिखा है और कोई रेलिवेंट पॉइंट लिखा है तो तो एग्जामिनर उस हिसाब से मार्किंग करता है अच्छा अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार मैंने तो बहुत अच्छा दिया था एग्जामिनर ने कुछ गड़बड़ की तो सी में एक तरीका भी है टू लुक एट योर आंसर शीट्स वो सब हम आपको बताएंगे जब आपके रिजल्ट आने वाले होंगे बट आप अपनी आंसर शीट देख भी सकते हो आप अपने आंसर शीट को चेक भी करा सकते हो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ठीक है सो मेक श्योर मतलब कि ये अपने दिमाग में मत लो कि टीचर को मुझसे दुश्मनी है एग्जामिनर ने ठीक से चेक नहीं किया होगा ठीक इन सबके एक तरीके है टू गेट टू नो अगर आपको लग भी रहे तो भाई रीचेक करा लो है ना बट ऐसा नहीं होता फोर्थ मिथ बोर्ड एग्जाम्स आर सोनली अबाउट मेमोराइजेशन ये ना बहुत लोग बोलते हैं और बहुत गलत बोलते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम ना रट्टाफिकेशन का जो ज्यादा रट्टा लगा ले ना उसके अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि ना मैं रट्टा लगाने में अच्छा नहीं हूँ तो भाई आप अपने आप को इतने गलत फैमी में मत रखो अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि आप रट्टे की बात नहीं है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तभी आप रट पा रहे हो और तभी आपके अच्छे मार्क्स आए क्योंकि आपने परिश्रम किया है और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो आप में फॉल्ट है रट्टाफिकेशन की कोई इसमें बात नहीं है ठीक है अब बोर्ड एग्जाम्स इतना बदल गया है पिछले पांच सालों में सीबीएसई ने इतना बदल दिया एग्जामिनेशन को कि कोई ये बोल ही नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन 50% ऑफ द पेपर इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मतलब पेपर का 50% आपसे लॉजिक और चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इट इज ऑल अबाउट आप कितना चैप्टर समझे हो रादर देन आपने कितना चैप्टर रटा है तो अगर आप कभी ये बोलो कि यार मैं अच्छा नहीं हूं ना रटने में इसलिए एस में अच्छे नहीं आते तो बेटा आप रटने में भी अच्छे नहीं हो और समझने में भी अच्छे नहीं हो है ना दोनों की जरूरत है अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्योंकि समझने के बाद ही आप रट सकते हो क्लियर और राइट अगला मित कोचिंग सेंटर्स आर असेंशियल फॉर सक्सेस कि यार मेरे पास पैसा नहीं है मम्मी पापा मुझे भेजते नहीं ट्यूशन इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे पहले हो सकता है एक ज़माने में कोई स्टूडेंट यह बोल सकता कि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं और हम ट्यूशन नहीं जा पाते बट आज जब आपके पास इंटरनेट है जब आपके पास फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज है फ्री वेबसाइट्स है जो आपको इतने नोट्स ऑफर कर रही है सी बी एस ई वेबसाइट है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आंसर्स ऑफर करती है तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि हमारे पास कोचिंग नहीं है इसलिए हम मार्क्स नहीं ला रहे हम वेदांतु नाइन और तो टेन चैनल पे क्या कर रहे हैं फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं चैप्टर का एनालिसिस करा रहे हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं क्यों करा रहे हैं जिससे आपको किसी और की हेल्प की जरूरत ही ना पड़े और हमसे फ्री में पढ़ के आप नाइन्टी ला पाओ एग्जाम में ठीक है सो दिस इज अग मिथ की कोचिंग सेंटर्स आर असेंशियल फॉर सक्सेस अगला मिथ क्लास टेन भाई साहब भाई साहब क्लास टेन बहुत ओवरवेलमिंग है बहुत भयंकर है कहाँ क्लास एट था और कहाँ हम क्लास टेन में आ गए तो गाइज मैं आपको बता दूँ इस साल आपका बहुत सारा सिलेबस डिलीटेड है या आधा किया हुआ है ठीक है बहुत सारा तो एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू बैचेस आपका सिलेबस कम है तो आप पहली बात तो आपको देखो दुखी होने की जरूरत नहीं है ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है क्लास ऑल अबाउट प्रॉपर प्लानिंग और ये बहुत जरूरी है पता है बहुत लोग बोलते हैं बोर्ड एग्जाम्स को हटा देना चाहिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मुझे लगता है कि जब ये एक एक्सटर्नल प्रेशर आता है ना बच्चे पे कि बोर्ड एग्जाम इट्स एन एग्जाम जहां कोई भी इंसान कोई भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर सकता है है ना कैसे भी मार्क्स आपको आ सकते हैं इट्स नॉट योर स्कूल टीचर आप कंपीट कर रहे हो तो पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहे हो सिर्फ अपने क्लास के नहीं जब ऐसा एक प्रेशर आता है ना बच्चे पे अच्छा प्रेशर गुड प्रेशर तो तब बच्चा सीखता है कि मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है मुझे कैसे पढ़ाई करनी है मुझे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू गो टू क्लास इलेवन अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे तो आप लोग वैसे ही पुल्लू पुल्लू रहोगे बिल्कुल कि की आराम से पढ़ लेंगे स्कूल की टीचर तो ही तो है वही तो क्वेश्चन आने हैं जो उन्होंने बताए हैं एंड फिर जब आप क्लास इलेवन में आओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कहा पेसिफिक क्वेश्चन में डाल दिया गया है बीचों भी वैसे भी आपको लगने वाला है तो बोर्ड एग्जाम्स के बिना तो बिल्कुल ही डूब जाओगे इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाना डिस्ट्रैक्शन uh, को हटाना सीख लो नहीं तो मेरी बात मान लो मेरी बात मार्क कर लो क्लास 11 बहुत मुश्किल लगेगी और रुला देगी आपको चाहे आप कोई भी स्ट्रीम चूज करो तो क्लास टेन इज नॉट ओवरवेलमिंग इट अबाउट आप अपना वक्त कैसे मैनेज करते हो ठीक है अगला मित्र क्लास टेन में अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज छोड़नी होगी बेटा पता है, अगर हम 11, 12 की बात करें, तो सच बात है साइंस अगर आपने ली है तो ये बहुत सच बात है बट क्लास टेन में आप ये काम मत करना कि बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने एक्स्ट्रा करिकुलर ना पढ़ाई हो पा रही ना एक्स्ट्रा करिकुलर हो पा रहा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए तो दिन में या हफ्ते में कुछ घंटे बांध लो कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपना दिमाग स्ट्रेस फ्री रख के ये काम करूंगा फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो डांसिंग था और मैं ट्वाइस अ वीक जाती थी डांस क्लास और मेरा था यार ये एक घंटा जब मैं डांस में हूँगी मैं कुछ नहीं सोचने वाली एम जस्ट गोइंग टू मूव एंड जस्ट यू नो गाने सुनूंगी म्यूजिक अपने बॉडी में लाऊंगी दैट्स इट तो आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी आप करते हो हफ्ते में चाहे दो दिन एक एक घंटा करो बट उसको बिल्कुल छोड़ो मत नहीं तो सच बता रही हूँ कि ना ही पढ़ पाओगे और ना ही आपका कहीं किसी चीज में मन लगेगा अगला मिथ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर नेसेसरी टू परफॉर्म वेल ये काफी इंटरेस्टिंग है कुछ बच्चे बोलते हैं यार यू नो अभी ना पढ़ नहीं पा रहा मैं स्ट्रेस नहीं आ रहा हूं मुझको स्ट्रेस नहीं आ रहा देखो ये स्ट्रेस और प्रेशर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ स्ट्रेस एक ऐसा हॉर्मोन है जो हमारा बॉडी निकालता है जो बहुत अच्छी बात है कैसे अच्छी बात है कि पहले जमाने में जब हम लोग हंटर गैदर करते थे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो है ना तो जब कोई जानवर हमारे पीछे दौड़ता था या फिर हमें चोट लग जाती थी तो हमारा बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता था जिससे हमारा इन्फ्लेमेशन कम हो जल्दी से हमारी चोट ठीक हो और हम तेज भाग पाए जानवर से दूर हम examination time में निकालते हैं क्योंकि हमारे लिए बड़ा सा जानवर एग्जामिनेशन है जो हमारे पीछे दौड़ रहा है।, है ना तो स्ट्रेस हारमोन से हम लोग ज्यादा फोकस कर पाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस इज ओके क्योंकि उससे आप पॉजिटिव रहते हो और आप फोकस कर पाते हो प्रॉब्लम आती है जब क्रोनिक स्ट्रेस होता है कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस में हो कॉन्स्टेंटली प्रेशर में हो और वो नेगेटिव होने लगता है स्ट्रेस होता है हल्का सा है आपको वो मोटिवेट एंड दैट्स इट जब वो कॉन्स्टेंट होता है तो आपको पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो पढ़ाई बुरी हो जाएगी दैट दैट बिकम्स एनी जो बहुत ज्यादा हमें एक्सेस में होती है ना बुरी हो जाती है और वही स्ट्रेस के बारे में भी है तो मेक श्योर sure कि आपको और पता है ये इलेवेंथ में भी आपको काम आएगा कि अगर आप अभी से जान लो कि स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करें जिससे स्ट्रेस कम हो स्ट्रेस और प्रेशर कभी आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करने देगा अगर वो बहुत ज़्यादा है इसीलिए मेक यू आर ऑलवेज़ रिड्यूसिंग स्ट्रेस छोड़ दो भाई छोड़ दो बे जो बोल रहे हैं समझो कि बैकग्राउंड नॉइज ये, ये है आप सोचो आपको क्या करना है, है ना? और उस हिसाब से पढ़ाई करो बोलना आसान है अगर आपने ये अभी से सीख लिया तो आपको जिंदगी में आगे भी काम आएगा अभी तो बहुत ज्यादा बोलेंगे लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे रिश्तेदार ठीक है चलो क्लास टेन इज द एंड ऑफ योर अकेडमी बेटा क्लास टेन अच्छा कर लो फिर तो जिंदगी भर मजे अगर ये डायलॉग आपने सुना है तो बेटा मैं अनफॉर्चुनेटली आपको बोलना चाहती हूँ कि क्लास टेन तो सिर्फ शुरुआत है क्लास टेन तो सिर्फ शुरुआत है क्लास इलेवन और में आपको असली जिंदगी का पता चलेगा कॉलेज में आके पता चलेगा कि भाई हम क्या बच्चे थे में जो आप परिश्रम करते हो, वो आपका बेसलाइन बनता है वो क्लास इलेवन एंड में आगे है ना तो इट इज नॉट लाइक बस इसमें पढ़ लो बेटा बहुत पढ़ना है अगला स्ट्रीम चॉइस इन क्लास टेन योर करियर पाथ ऐसा टाइम आ गया होगा आपकी लाइफ में कि लोग क्लास टेन की बात कर रहे हैं बट एक तरीके से मम्मी पापा पूछ रहे हैं बेटा क्लास में क्या लोगे क्लास इलेवन में क्या लोगे और आप कह रहे हो लड्डू लूंगा पापा प्लीज मैं पूछे क्या लूंगा मुझे नहीं पता या बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा कि भाई करना क्या है हमें लाइफ में और उन्हें डर लग रहा होगा कि यार हमने साइंस ले ली और नहीं हो पाया कॉमर्स ले ली और ह्यूमैनिटीज ले, ले ली तो क्या होगा यहाँ फिर बहुत लोगों को होगा कि हमें पता है हमें क्या बनना है है ना हमें पता भी है क्या स्ट्रीम लेना है दे वेरी कॉन्फिडेंट हर तरीके का बच्चा है बट आप सबको मैं एक ही चीज कहूंगी कि क्लास टेन में आपने जो डिसाइड किया है वो आपका लाइफ नहीं डिटर करता मैंने क्लास टेन में डिसाइड किया था कि मैं साइंस लूंगी मैंने ली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इकोनॉमिक्स ठीक है मैंने सोचा था मैं इंजीनियरिंग करूंगी इलेवेंथ के आधे में ही मैंने कोचिंग छोड़ दी कि भाई इंजीनियरिंग तो मुझसे नहीं होने वाली मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही थी मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी बहुत प्रेशर में आ रही थी फिर ट्वेल्थ में आने के बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल मतलब मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स और करने का सोचा था फिर उसके बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने क्या लिया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इन कॉलेज एल एस आर में आर right? so कैसी आपकी लाइफ बदलती है क्या डिसीशन आप लेते हो वो बहुत अलग है देन वॉट यूर थिंकिंग इन क्लास टेन तो कभी हिम्मत सोचो अभी मैंने कुछ सोच लिया तो मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी जल्दी से मेरे एक दोस्त की जो जिसने इंजीनियरिंग की वो बिट्स पिलानी भी गया काफ़ी होशियार फिर वहाँ कंप्यूटर साइंस ली अच्छी उसकी रैंक थी और कंप्यूटर साइंस में वो हो गया फेल और फिर आज वो बहुत बड़ा डिजाइनर है डिजाइनिंग करता है उसकी खुद की कंपनी है क्योंकि उसने अपनी डिजाइनिंग वो क्रिएटिव था उसने डिजाइनर बन गया तो आप क्या लेते हो इलेवेंथ ट्वेल्थ में वो नहीं डिटरमिन करता आपकी जिंदगी इसलिए अभी क्लास टेन में उसका स्ट्रेस मत लो फाइनली याद रखना कि चाहे कुछ हो जाए हम आपके साथ हैं विदांतू नाइन एंड टेन चैनल इज हियर टू गाइड यू मैं आपके साथ हूँ सुरभि मैम मतलब एस एस टी होता होगा एस एस टी मतलब सुरभि मैम होता होगा बट जिंदगी में कभी आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाओ ना जहाँ आप सोचो कि यार आगे कैसे बढ़ना है तो आप मेरे पास आ जाओ मैं आपको जरूर गाइड करूंगी विदांत के नाइन एंड टेन टीचर्स आपको हमेशा गाइड करने के लिए यहाँ है ठीक है सो आई होप आज का सेशन के बाद आपको थोड़ा पॉजिटिविटी और एनर्जी मिली होगी राइट आई यू आल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम सुरभि एंड दिसको नर्ड अलर्ट पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं ठीक है नर्ड अलर्ट बिकॉज आई एम अ नर्ड है ना तो दैट्स इट वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कि भाई यार हमें क्या लग रहा था टेंथ स्टैंड तो कुछ और ही है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दिस चैनल पे आप बहुत चीजें ला रहे हैं एस एस ला रहे हैं हर सब्जेक्ट को एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी तक अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की अभी भी आपके पास बहुत टाइम है मेहनत करते रहो ठीक है सी इन द नेक्स्ट क्लास वो